रहीम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द सब सेक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजीज को पर्टिकुलर नेम्स देते आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया हमने उसको सेल का वॉचमैन कहा इसी तरह से हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया और उसको हमने सेल का कंट्रोल रूम कहा और अब माइडोकॉन्ड्रिया को हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल कि बेसिकली सेल में जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होने हैं उनके लिए जो एनर्जी है वो माडोकॉन्ड्रिया ने प्रोवाइड करनी है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ माडोकॉन्ड्रिया सो माडोकॉन्ड्रिया बेसिकली दे आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूक्रिय सेल्स ऑफ कोर्स ये माइडोकॉन्ड्रिया चूँकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेलीज हैं बल्कि ये डबल मैमब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज है एंड वी नो कि मेमब्रेन बाउंड ऑगरलीज जितने भी होंगे दे आर ऑल एबसेंट इन द प्रोक्रियोड्स सो लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ यूक्रियोटिक सेल्स के सर्ड प्लाजा में हमें मिलेंगे नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेप साइज एंड नंबर ऑफ द माडोकॉन्ड्रिया एंड दैट इज़ हाईली हाईली वेरिएबल राइट और इनकी जो शेप साइज और नंबर किस किस चीज़ के साथ वेरी करते हैं बेसिकली ये ओवरऑल जो सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है इसके साथ ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं राइट right? सो इट डिपेंड्स अपॉन द फिजोलॉजिकल एक्टिविटी और ए टी बी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल सो अगर हम शेप के हवाले से बात करें तो उसकी सैवरल डिफरेंट शेप्स हैं वेसिकल्स रॉड शेप या इवन फिलामेंट्स की शक्ल में हो सकते हैं मार्डोकॉन्ड्रिया एंड दैन अगर साइज की बात करें यू कैन हैव द स्मॉल साइज माडोकॉन्ड्रिया और लार्ज साइज माइडोकॉन्ड्रिया ऑफकोर्स आप ज्यूम कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट